one more topic today we will going to discuss the topic is how we find the roots of a quadratic equation by a quadratic formula dear students we know the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कॉडरेटिक इक्वेशन वैन वी सोलो दिस इक्वेशन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इस फार्मूला को हम कहते हैं डियर स्टेंडस कॉडरेटिक फार्मूला दिस फार्मूला इज़ नून एज़ कॉडरेटिक फार्मूला और श्री दारा आचार्यज फार्मूला और इस फार्मूला की जो यूज़ है देयर सेंटस वो यूज़ क्या है यानि विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी फाइंड द रूट्स ऑफ कॉडरेटिक इक्वेशन इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया वेन यू हैव गिवन ए कॉडरेटिक इक्वेशन वी सॉलो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक यानी फैक्टोराइजेशन मेथड वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया या मैंने आपके साथ डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया कम्पलीट द स्क्वायर मेथड और जो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे डैट इज टू फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कॉडरेटिक फार्मूला द कॉडरेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वाइनस फोर ए सी अपन टू ए इसके साथ साथ डियस्टेंड्स आपको मैं यहाँ एक और पॉइंट क्लियर करूँ कि ये जो क्वांटिटी है बी स्क्र माइनस फोर ए सी इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डियर स्टेंड्स डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाई डी कैपिटल डी तो यहां हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस फोर ए सी तो डियरस्टेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन टू ए ये जो बी है या ए है या सी है वायर ए इज द ऑफ़ एक्स स्क्वायर इज़ द कोपेंट ऑफ एक्स और ये जो सी है डियर स्टूडेंट्स इससे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म या कहेंगे एब्सल्यूट टर्म नाउ वी विल स्टार्ट हियर विल टेक क्वेश्चन यानी एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो बियस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी फाइंड इट्स रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक हियर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्टूडेंट्स ए मीन्स कोप्शन ऑफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ दैट इज टू वट इज बी वट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर बी इज द कोप्शेंट ऑफ एक्स बी का वैल्यू डी क्या है डेट इज माइनस सेवन एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ सी सी इज थ्री यानी सी का जो वैल्यू है डियरसेंटस डेट इज थ्री अब क्या करेंगे हम यानी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैंने अभी पढ़ा है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है दिस इज नोन एज दिस क्वान्टिटी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट हाँ, एक और टॉपिक है जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी इससे इससे हम क्या करते हैं? सिंपली हम नेचर ऑफ रूट चेक करते हैं अप में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स अपॉन में आएगा टू ए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डी डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस फोर ए सी वट इज द वैल्यू ऑफ डी है इट इज़ माइनस सेवन और क्या आएगा होल स्क्र बीच में क्या आएगा माइनस फोर को ऐसे लिखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए एज डियरसेंट्स टू एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डेट इज़ थ्री व्हाट इट बिकम्स इट बिकम्स फोर्टी नाइन माइनस फोर टू जर एट एट थ्रीज आर ट्वेंटी फोर एट थ्रीज आर ट्वेंटी फोर एंड वट वे गेट वई गेट ट्वेंटी फाइव यानी डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया डियर स्टूडेंट्स यहाँ वो आया ट्वेंटी फाइव इसके बाद क्या करेंगे एक्स को ऐसे ही लिखेंगे माइनस को भी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखेंगे इसके बाद करेंगे क्या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी हेयर बी का वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस सेवन बीच में क्या आएगा प्लस माइनस और डी का वैल्यू जो है डेट इज ट्वेंटी फाइव और अपॉन में क्या आएगा टू इंटू a, what is the value of a, dear students, it is 2 it is 2 इसके बाद करेंगे क्या, यानी x को ऐसे लिखेंगे, x को ऐसे लिखेंगे, what it becomes, it becomes dear students 7 minus into minus that is 7 minus into minus that is plus. और बीच में क्या आएगा plus minus, this is perfect square, यानी square root of 25 five is five. इसके बाद करेंगे क्या dear students two into two that is four. इसके बाद करना क्या है डियर स्टूडेंट्स एक्स को ऐसे लिखेंगे इट बिकम्स सेवन प्लस फाइव अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा फोर यानी पहले तो हम लेंगे सेवन प्लस फाइव अपॉन में फोर इसके बाद क्या लेंगे सेवन माइनस फाइव अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स अपॉन में आएगा फोर इसके बाद क्या करना है इन दोनों का एड करना है इट बिकम्स ट्वेल्व अपॉन फोर एंड इट बिकम्स टू अपॉन फोर डियर स्ट्रेंड्स एक्स को ऐसे ही लिखेंगे इट बिकम्स फोर वन जा फोर थ्री ज़ा इट बिकम्स थ्री एंड इट बिकम्स वन अपॉन टू यानि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स यानी एक्स का जो वैल्यू आया दैट इज़ थ्री एंड वन अपॉन टू इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है ये हुआ कंप्लीट यानी मैंने आपको क्या पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया कि व्हेन यू हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई कॉडरेटिक फार्मूला सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या मैंने सिंपली आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला इज यानी एक्सइज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इसके साथ साथ मैंने आपको यहां बताया कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है डियर स्टूडेंट्स इससे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या किया मैंने फिर मैंने एक पार्ट लिया जिसके मैंने रूट्स यानी डिटरमाइन के विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला